वेलकम स्टूडेंट्स इन हिंदी सब्जेक्ट्स ऑनलाइन क्लास। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर अपनी वस्तु। एज यू नो दैट वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर एंड आई होप दैट यू हैव कंप्लीट योर वर्क इन योर रीडर्स नोटबुक। प्लीज मेंटेन सेपरेट बुक फॉर ग्रामर पोर्शन एंड द रीडर पोर्शन। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक अपनी वस्तु। पहले एक बार हम बिना रीडर की सहायता से या बुक की सहायता से हम एक बार इसके बारे में बात करते हैं आपसे। तो अपनी वस्तु जो शीर्षक से पाठ हमारे बुक में दिया हुआ है उसके अंदर क्या है, दो भाई किसी ज़मीन को लेकर के आपस में झगड़ा कर रहे थे। तभी वहाँ से एक महात्मा जी गुजरते हैं। वो महात्मा जी जो संत थे उन्होंने उन दोनों भाइयों से लड़ाई का लड़ने का कारण पूछा। दोनों भाइयों ने अपनी अपनी तरफ से ये कहा कि ये ज़मीन मेरी है। दूसरा भाई कहता है कि ये ज़मीन मेरी है, मेरे जो हमारे जो पिताजी थे उसने ये ज़मीन मेरे को दी थी। दोनों अपना अपना हक जता रहे थे। तो महात्मा जी को ये बात समझ में आ गई कि इन दोनों का इस तरह से फैसला करना संभव नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उन दोनों भाइयों के गुस्से को शांत करने के लिए कुछ समय अंतराल लेने हेतु उन दोनों भाइयों से कहा कि आप एक काम करो भाई, हम आपका फैसला कर देंगे, या फिर सबसे पहले तो आप एक काम करो, इस ज़मीन से ही अपना फैसला करवा लो। तो दोनों भाइयों ने महात्मा जी की तरफ देखा और भाइयों ने कहा कि महात्मा जी ऐसा कैसे संभव है, ये ज़मीन अपना फैसला कैसे बताएगी, ये कैसे बोलेगी। तो महात्मा जी ने समझाया कि हो सकता है ये आपसे बात नहीं करे, लेकिन जो हम जो हैं वो ज़मीन से बात करके आपको बता सकते हैं अगर आपको मेरा फैसला मंजूर हो। तो दोनों भाइयों ने कहा कि इस तरह झगड़ा करने से अच्छा है कि महात्मा जी कोई ना कोई अपने को फैसला सुना दें, ताकि जिसके भी हक में फैसला सुनाया जाए वो इस ज़मीन को रख लेगा। तो दोनों भाई तैयार हो गए। तभी महात्मा जी क्या बोलते हैं कि मैं इसका फैसला तो कर दूंगा, लेकिन क्या है, मेरे को भूख लग रही है, तो मैं भूखे पेट हूँ, जब तक मैं भूखा रहूँगा मैं इस मामले का फैसला कैसे कर पाऊँगा। तो एक काम करो, दोनों भाई घर जा करके मेरे लिए खाना बना करके लाओ। तो भाइयों ने कहा कि महात्मा जी एक बार ये फैसला हो जाए ज़मीन का, फिर हम आपको बढ़िया बढ़िया खाना बना करके खिलाएंगे। तो महात्मा जी ने कहा नहीं भाई, ऐसा संभव नहीं है, आपको पहले मेरे को खाना खिलाना पड़ेगा, भोजन करने के बाद ही मैं कोई फैसला ज़मीन से पूछ पाऊँगा। तो दोनों भाई अपने घर गए, महात्मा जी के लिए अच्छे अच्छे पकवान बना करके लेकर के आए। तब तक क्या हुआ, इस पूरी प्रोसेस में वो भोजन करने में और इन सब में भोजन बनाने में और भोजन करने में लगभग 2 घंटे का समय निकल गया। तब तक क्या हुआ, दोनों भाइयों को जो क्रोध आ रहा था वो धीरे धीरे शांत हो गया। तो इस तरह से उन दोनों के झगड़े को महात्मा जी ने अपनी सूझबूझ से और उनके गुस्से को, उनके क्रोध को शांत करके उनके दोनों के झगड़े को समाप्त करवाया। तो इस पाठ में हम इसी चीज़ को देखेंगे। जिनके पास घर पे रीडर अवेलेबल है, बुक अवेलेबल है, वो तो बुक से देख लेंगे। उसके अलावा जिन बच्चों के पास नहीं है, हम उनको PDF भी भेजेंगे साथ में, तो आप वो जो PDF आएगी उसकी हेल्प से पढ़ लेना। एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे, एक महात्मा जी थे, वो कहीं रास्ते से जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर दो व्यक्तियों को ऊंची आवाज़ में बोलते हुए सुना। जब महात्मा जी रास्ते से जा रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि रास्ते में दो व्यक्ति आपस में ऊंची-ऊंची आवाज़ में बात कर रहे थे, यानी कि आपस में लड़ रहे थे। दोनों ही हाथों में लठ लिए एक दूसरे के प्राण लेने को उद्यत दिखाई देते थे। उद्यत का मतलब होता है तैयार। ये कठिन शब्दार्थ आप हाथों हाथ रीडर वाली जो नोटबुक है ना उसमें लिख लेना। इसको ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। इसका अर्थ आतुर भी लिख सकते हो, तैयार भी लिख सकते हो और
उत्सुक भी लिख सकते हो। दोनों ही हाथों में लठ लिए एक दूसरे के प्राण लेने को उद्यत दिखाई देते थे। एक कहता था कि यह भूमि मेरी है और मैं इसका स्वामी है। दोनों भाइयों में से एक भाई क्या कह रहा है कि सारी भूमि मेरी है और मैं ही इस भूमि का स्वामी हूँ, जबकि दूसरा उसी भूमि को अपनी बता रहा था। दूसरा भाई क्या कह रहा था कि नहीं, यह भूमि तो मेरी है। उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व जतलाने के लिए दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे। स्वामित्व का मतलब होता है हक, स्वामित्व का कह सकते हो आप, हक कह सकते हो इसको, अधिकार भी कह सकते हो, इसके दोनों अर्थ होते हैं। तो दोनों ही भाई उस जमीन पर स्वामित्व को लेकर झगड़ा कर रहे थे कि इस पे मेरा हक है। दूसरा भाई कह रहा था इस पे मेरा हक है। क्रोध से लाल पीले हो रहे थे। क्रोध से लाल पीले होने का मतलब क्या होता है, ये एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा उनको आ रहा था। अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे। दलीलों का मतलब होता है तर्क देना, ये ज़मीन मेरी है, मेरे पिताजी ने मेरे को दी है, इस तरह से करके वो अपने अपने पक्ष में तर्क दे रहे थे। संत महात्मा तो स्वभाव से दयालु और परोपकारी होते हैं। संत पुरुष वही होता है जो स्वभाव से दयालु और परोपकारी होता है, सदैव सबका भला ही चाहते हैं। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाने पर तुले हुए हैं। उन दोनों की बात सुनने के बाद महात्मा जी ने मन में विचार किया कि ये दोनों इस ज़मीन के लिए आपस में झगड़ा करके अपने एक दूसरे के प्राण लेने के लिए तैयार हो रहे हैं, अतएव इन्हें समझा बुझा करके शांत करने और इनका आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। महात्मा जी हमेशा सबका भला ही सोचेंगे, तो उन्होंने क्या सोचा कि कैसे भी करके इन दोनों को समझा करके और ये जो झगड़ा जमीन को लेकर के कर रहे हैं इसको शांत करने का हमें प्रयास करना चाहिए। यह सोच करके वह उनके निकट गए और उन्हें संबोधित करते हुए बोले, हे भद्र पुरुषों, तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? महात्मा जी ने उनका झगड़ा सुन लिया था, उसके बाद मन में सोचा कि मेरे को इन दोनों को शांत करना चाहिए समझा करके। तो महात्मा जी उन दोनों के पास गए और क्या बोलते हैं, हे भद्र पुरुषों, तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? महात्मा जी ने दोनों भाइयों से जाते ही पूछा कि आप दोनों कौन हो और इस जमीन के संबंध में झगड़ा क्यों कर रहे हैं? महात्मा जी को देख करके उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मन। महात्मा जी को देख करके दोनों भाइयों में से एक भाई क्या बोलता है कि हे महात्मन, हम दोनों भाई हैं, हम दोनों भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ। एक भाई क्या बोल रहा है कि हमारे पिताजी ने मरते समय जो बंटवारा किया उसके हिसाब से इस भूमि का मालिक कौन है? मैं हूँ। फिर भी ये व्यर्थ झगड़ा कर रहा है, फिर भी ये जो मेरा भाई है वो व्यर्थ इस जमीन को लेने के लिए झगड़ा कर रहा है। दूसरा व्यक्ति तत्काल ही चिल्ला उठा, भाई किसी के सामने आप किसी चीज़ को अपना बताओगे तो उसको भी गुस्सा आएगा, इतनी देर से झगड़ा कर रहा था। तो दूसरे भाई ने तत्काल ही चिल्ला करके क्या कहा, महाराज ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। महात्मा जी को क्या बोलता है कि महाराज ये जो मेरा भाई है वो झूठ बोल रहा है, यह भूमि इसके भाग में नहीं बल्कि मेरे भाग में आती है, यह जो भूमि है वो इसके भाग में नहीं आती है बल्कि मेरे भाग में आती है, इसलिए इसका असली मालिक कौन है? मैं हूँ। यह झूठ मोटी से अपनी बतला करके और मुझे डरा धमका करके इसको हड़पना चाहता है, यह झूठ मूठ में इस ज़मीन को अपना बता रहा है ताकि यह ज़मीन जो है वो ये खुद हड़प ले। हड़पने का मतलब होता है अधिकार में करना, छीनना। महात्मा जी ने शांत स्वभाव से फरमाया, अपने आप को शांत स्वभाव में करते हुए महात्मा जी ने बताया। फरमाया का मतलब होता है बोलना। तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो, ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा। महात्मा जी ने क्या कहा कि तुम दोनों भाई अगर इसी तरह से झगड़ा करते रहोगे कि ये ज़मीन मेरी है, ये ज़मीन मेरी है, तो इस ज़मीन का फैसला होना मुश्किल है, इसलिए अच्छा यही रहेगी कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने पर उतर हो, इसलिए अच्छा यही होगा कि जिस भूमि को लेकर के तुम झगड़ा कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि इस भूमि को मैं अपने हक में कर लूँ या मैं छीन लूँ, उस भूमि से ही
उससे ही बात करके तुम पूछ लो कि इसका असली मालिक कौन है। वह स्वयं इस बात का निर्णय कर देगी। महात्मा जी ने क्या कहा कि इस जमीन से पूछो, ये जमीन ही आपको बता देगी कि मेरा असली मालिक कौन है। कुछ पल तक दोनों महात्मा जी के मुंह की ओर ताकते रहे। कुछ देर तक दोनों क्या हुआ, महात्मा जी के मुंह की तरफ देखने लगे कि महात्मा जी जमीन कैसे बात करेगी। फिर बोले, ताकने का मतलब होता है एक टक अगर हम किसी को देखते रहते हैं ना अचरज से आश्चर्य से, तो उसको ताकना बोलेंगे। फिर बोले, किंतु यह कैसे संभव है, भूमि भी कभी बोलती है। दोनों भाई एक स्वर में क्या बोले कि महाराज यह कैसे संभव है, ये भूमि जो है वो कैसे बात करेगी। तो इस तरह से हम इस चैप्टर में हमने अब तक जाना कि दो भाई अपने जमीन को लेकर के विवाद कर रहे थे, तभी वहाँ से एक महात्मा जी गुजरते हैं और वो महात्मा जी उन दोनों के झगड़े को शांत करने के लिए उनके पास जाकर के उनसे पूछते हैं, भाई आप दोनों का विवाद क्या है, आप दोनों किस क्यों झगड़ा कर रहे हैं। तो उनमें से एक भाई कहता है कि ये ज़मीन जो है वो हमारे पिताजी ने मेरे नाम करी, इसलिए इस ज़मीन का असली मालिक मैं हूँ, जबकि ये मेरा भाई जो है वो इस ज़मीन को मेरे से छीनना चाहता है। तो महात्मा जी ने दूसरे इतने में दूसरा भाई क्या बोलता है कि नहीं महाराज, ये झूठ बोल रहा है, यह झूठ बोल रहा है, ये ज़मीन मेरे पिताजी ने मेरे को दी है और यह इस ज़मीन को छीनना चाहता है। तो महात्मा जी ने सोचा कि इस तरह से तो ये दोनों भाइयों का जो झगड़ा है वो समाप्त नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, कि एक भाई इस ज़मीन को अपनी बताएगा, दूसरा भाई इस ज़मीन को अपनी बताएगा और ये झगड़ा करते रहेंगे, तो इनको शांत करने का हमें कुछ ना कुछ प्रयास करना चाहिए ताकि इनका दोनों का झगड़ा ख़त्म हो जाए और ये फिर से प्रसन्न होकर के रह सकें। तो इसलिए महात्मा जी ने मन ही मन में इस चीज़ को लेकर के विचार किया। महात्मा जी ने क्या विचार किया, किस तरह से उसका समाधान किया, इस संबंध में हम जो अगली क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।